नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से शुरू हुई सियासत ऑपरेशन लोटस तक आ पहुंची है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये दावा किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। केजरीवाल के साथ गुजरात जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करके बम फोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी से संदेश आया है कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ दें और बदले में उन्हें सीएम बना दिया जाएगा। इसके साथ ही जो भी शराब पॉलिसी को लेकर कार्रवाई चल रही है वो रोक दी जाएगी। हालांकि सिसोदिया के पास किसका संदेश आया ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हुए सिसोदिया ने लिखा कि वो सर कटा लेंगे मगर झुकेंगे नहीं। इस पर बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया और सिसोदिया के इन दावों को हवा हवाई बता डाला। मनोज तिवारी ने तो अपने बयान में उन्हें औरंगजेब तक से जोड़ दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुई लड़ाई सीबीआई के साथ साथ महाराणा प्रताप और औरंगजेब पर आ पहुंची है, इसका परिणाम क्या होगा? कह रहे बल्कि ये दावा किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। केजरीवाल के साथ आज गुजरात जाने से पहले सिसोदिया ने एक ट्वीट करके बम फोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी से संदेश आया है कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ दें। से मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है, उसके ऊपर बीजेपी ने भी पलटवार शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने कहीं ना कहीं सिसोदिया को महाराणा प्रताप की बात आने के बाद औरंगजेब के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान अभी जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हैं देवेंद्र प्रमुख साहब और प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। तीनों का स्वागत है। साथ ही साथ प्रभात त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी, आपके पास आना चाहूँगा। आज दुखी तो बड़े हुए होंगे, ऑपरेशन लोटस आपका सिरे नहीं चढ़ पाया। एक और मुख्यमंत्री मिल जाता लेकिन बात रह गई, क्योंकि सिसोदिया साहब ने कह दिया सर कटा लेंगे झुकाएंगे नहीं। समझ नहीं आ रही ये बयान आया कहां से जी। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री होते हुए सिसोदिया जी के लिए जिम्मेदार पद पर है जी, इस तरह बचकाना बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं? अगर किसी का यह बयान आया है उनके पास कोई लीडरशिप, अगर भारतीय जनता पार्टी बयान नहीं संदेश संदेश बात करें जी, अगर सबके साथ कोई बयान आया, किसी लीडर का बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी से कोई संगठनात्मक बड़े व्यक्ति का फोन आया है जी, या बड़े राजनेता का आया है, तो उसे ऑडियो सहित ओपन करें, वरना अपने आप को हाथ से क्यों बना रहे हैं? आज वो एक जांच का विषय है, पूरे देश को पता है कि कौन सी नीति उनके खिलाफ है। ईडी से लेकर सीबीआई तक अपना काम कर रही है, और उससे बचने के लिए बचकाना हरकतें करनी एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए, एक माननीय व्यक्ति के लिए मुझे अच्छा लगता नहीं कि आप चैनल्स पर बैठकर, टीवी पर बैठकर इस तरह की बात करके अपने आप को कब तक सेफ रखेंगे? ठीक है, आप ईमानदार हैं, अच्छे आदमी हैं, मैं भी मानता हूँ,
पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आप जो टेक्निकल चीज का जो आपके ऊपर समस्या जो आपके ऊपर आज समय आया है उसका सामना करें। नहीं, वो तो सीधा ही कह रहे हैं ना, सिसोदिया जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि बीजेपी से सीधा मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर मिल गया है, और ये तक कह दिया गया कि जितनी भी एक्साइज पॉलिसी को लेकर जांचें चल रही हैं सब रोक दी जाएंगी। सरकार जो केंद्र की है, क्या पूरी तरह से नेगोशिएशन के मोड में नजर आ रही है क्या सिसोदिया जी की, अगर बात पे विश्वास करें तो? देखिए, अक्सर हम नेशनल चैनल पर बैठकर बात कर रहे हैं और आप पक्ष में चीफ एडिटर होकर और मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और आपने क्वेश्चन किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि सिसोदिया जी के पास अगर कोई तथ्य के साथ पतात्मक उनके पास कोई ऐसी चीज आई है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठनात्मक बड़े व्यक्ति बड़े नेता ने ये बात उनसे की है, उनको ऑफर दिया है, तो उसको ऑन रिकॉर्ड ओपन करना चाहिए, अन्यथा बचना चाहिए ऐसी बातों से। आज उनके सामने एक गंभीर समय है, आज गंभीर समस्या उनके सामने इस तरीके की, उन्हें एक जांच का सामना करना पड़ रहा है और ये होता है लोकतंत्र में। देखिए, मैं कोई एलिगेट भी नहीं करता इसमें कि चीज क्लियर ना हो जाए, अभी सामना ही तो करना है। ईडी हो, सीबीआई हो, या अगर कोई और एजेंसी हो, या कोई आपके सामने कोर्ट का मामला हो, इतने जांच पूरी ना हो जाए, इतने उस पर ज्यादा वो नहीं होना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। अगर मैं ईमानदार हूँ आशीष जी, तो मुझे खतरा किस चीज का है? ऑफर मिले या ना मिले वो बाद की बात है, आज चर्चा जो है उस पर होनी है कि आपके साथ जो घटना हो रही है उस पर आप क्या सफाई देंगे, कौन से मॉडल आपने कहाँ कहाँ अपनाए, कौन से मॉडल की वजह से आज आपके पीछे सीबीआई ईडी है, क्यों है, क्या है, कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, जनता के बीच में जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, अपनी ईमानदारी को बनाना चाहिए, बड़े नेता हैं आप, क्यों आप किसी के बयान को चलिए ठीक है जवाब ले लेते हैं। प्रीतपाल जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। प्रीतपाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता तो सीधा कह रहे हैं कि जिसका संदेश आया, कोई ऑडियो है तो ऑडियो ओपन कर दीजिए, नाम है तो नाम बता दीजिए, बताते क्यों नहीं है? सारी जानकारी आपको दी जाएगी, आम आदमी पार्टी इससे बहुत एक्सपर्ट है जी। अगर जो जो बात सामने आई है उसका प्रमाण भी आपको दिया जाएगा जी। प्रमाण है यानी कि अभी ये बातें हो रही थी कि अगर घोटाले पे बात होती है तो शिक्षा पे कहां से बात आ जाती है जी, स्वास्थ्य पे कहां से बात आ जाती है जी। तो मैं प्रमुख जी को मैं बताना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं आई थी, देश की सत्ता पे नहीं आई थी, तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब की सरकार को ये क्या कहते थे कि स्पेक्ट्रम घोटाला किया, 76,000 करोड़ रुपए का कांग्रेस ने घोटाला किया, ये नारे लगाए करते थे लोगों को भरमा के। फिर उन्होंने कहा था कि कोयला घोटाला जी, देश सबसे बड़ा घोटाला, 10,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ जी, कहा गया वो। 2011 में इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, 2014 में उसका लाभ भी लिया जी। मगर 2017 में जो सीबीआई इनकी थी, जो पिछली सरकार में तोता थी पिंजरे का, वो इनकी सीबीआई थी, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, स्पेक्ट्रम जो घोटाला था उस पे केस ही नहीं बनता जी। सारे लोगों को 2017 में बरी कर दिया जी। तो वो दो बड़े घोटाले इन्होंने देश के सामने रखा जिसके कारण देश में इनकी सरकार बनी। एक मामला आया था एनआईए का मामला था जी, साध्वी प्रज्ञा को 2008 में एनआईए ने कहा कि वो आतंकवादी है, उनकी गाड़ी उसमें इस्तेमाल की गई है, एनआईए ने मान लिया था जी। उसी एनआईए ने 2018 में उनको क्लीन चिट दे दी जी। और 2019 में देश के मतलब यानी भाजपा ने उनको टिकट दिया और भोपाल से वो सांसद बन गए जी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, इनके पास ऐसी वाशिंग मशीन है कि नारायण राय में अगर ईडी की उनके पास नोटिस जाती है वो उस वाशिंग मशीन में घुसते हैं और निकलते एकदम साफ। मुकुल राय शारदा चिट फंड घोटाला जिसपे लगा था, बड़ा हल्ला होता था जी, वो इस वाशिंग मशीन में घुसते हैं बाहर निकलते साफ हो जाते हैं। एक हुए थे अजीत पवार जी,
ठीक है, ये तो पूरी लिस्ट फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा है, आज मुद्दा यही है कि आखिर फोन किसका आ गया और क्या मुद्दा भटकाने का यहाँ पर प्रयास तो नहीं किया जा रहा, जो लगातार बीजेपी और आरोप भी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी वो नालायक बच्चा है मोहल्ले का, जो आपके घर की घंटी दबाकर और भाग जाता है। ठीक है, ठीक है, दरवाजा खोलते हैं तो कोई दिखता नहीं। ठीक है, मैं आऊँगा प्रीतपाल जी आपके पास में। प्रभात जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुई लड़ाई सीबीआई और ईडी तक आ गई है, क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, जिस महाराणा प्रताप वर्सेस औरंगजेब हो गया आज देश की सियासत में। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस जंतर मंतर में अन्ना हजारे के मंच पे बैठकर केजरीवाल ये कहते थे जी कि हम एक व्यवस्था परिवर्तन और देश के परिवर्तन के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अब जब वो स्वयं सत्ता में आ गए हैं तो वो इस तरीके से घिर गए हैं जी कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब उनके पास जवाब नहीं है। मैं इसको 2024 से लेके जोड़ के देखता हूँ कि जिस तरीके से नीतीश कुमार एक कैंडिडेट प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष के रूप में एक प्रस्तुत हो रहे थे जी। वो अब उसको हटा के अब मोदी बनाम केजरीवाल ये अब मनीष सिसोदिया ने कर दिया है, बीजेपी ने नहीं कर दिया है। ये ईडी और सीबीआई, देखिए ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, अगर आपने घोटाला नहीं किया है तो आप बरी हो जाएंगे। आप आज देखिए गुजरात में जब अहमदाबाद से जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उतरे वहां जहाज से, और मनीष सिसोदिया की बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके की थी जो कभी संजय राउत की हुआ करती थी, आपको याद होगा जी। संजय राउत यूं करके जा रहे थे, इसी तरह आज मनीष सिसोदिया जा रहे थे। अब संजय राउत कहां पे है इस समय, मनीष सिसोदिया भी वहां जाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि जो नैरेटिव अब ये बना रहा है, बना रही है आप पार्टी, वो हेलो जी 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 फोन कट गया है तो प्रभात जी के पास लौटेंगे। प्रभात जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहे थे कि जो कानून है वो कहीं ना कहीं ये जो मसला है पूरी तरह से कानूनी रूप से अब आगे बढ़ेगा और ऐसे के अंदर देखना यही होगा कि तस्वीर क्या रहने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आज शिक्षा की चर्चा हो रही है और मुद्दा एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। लगातार विरोधी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि शिक्षा की चर्चा को तरजीह दी जा रही है जबकि चर्चा एक्साइज पॉलिसी की होनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रीतपाल जी, ये जो एक बात बार बार आ रही है कि पूरी आपकी जो पार्टी है वो शिक्षा के मुद्दे को लेकर पूरे देश में चर्चा करने में जुटी हुई है, भले ही एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार में जो खबर छपी उसको आधार बनाकर पूरे देश की सुर्खियां बटोरने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आपके विरोधी दल लगातार, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पर चर्चा नहीं हो रही। तो ये क्या विषय है, इसको लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं क्या कहेंगे इस पर? देखिए आशीष जी, देश का कितना नाम रोशन होगा जी जिसको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यूएस का राष्ट्रपति मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, वहां उस अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम में फ्रंट पेज पर दिल्ली का शिक्षा मॉडल आता है, दिल्ली देश का जो दिल्ली राजधानी है वहां का शिक्षा मॉडल का जो जिसने जिसने डंका बजाया, मनीष सिसोदिया की फोटो आती है, उसको ये कहकर काउंटर किया जाता है कि वहां पैसा दे के छपाया गया था। मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या बैठे हुए वो ये बता दे कि सबसे धनाढ्य पार्टी है, अभी 44,000 करोड़ रुपए का घोटाला DHFL ने किया था जी। जिसने 29 करोड़ रुपए इनको चंदे के रूप में दिए थे, जिसकी जिसकी जानकारी इन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के अकाउंटेंट ने दी है कि 29 करोड़ का हमने चंदा लिया DHFL से, वो सारे पैसे लगा दे, पूरी कोशिश कर ले एडी से चोटी लगा दे, विश्व गुरु जी जिनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ये, उनकी एक फोटो अब फ्रंट पेज पे छपा के दिखा दे, हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। सन की बात है, आपका शिक्षा मॉडल इतना ऊंचे स्तर पे जाकर डंका बजा रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, आप पार्टी पार्टी खेल रहे, आप लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं,
उसको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का शिक्षा मॉडल उछल के आया, प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए था जी। जो मन की बात कहते हैं वो मन की बात में इस बात को कहें कि सीखो, सीखो दिल्ली से सीखो, मनीष सिसोदिया से सीखो, शिक्षा मॉडल कितना अच्छा कर दिया कि न्यूयॉर्क टाइम में उसका फ्रंट पे तभी बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बताया जा रहा है मनीष सिसोदिया जी को। और आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं उन्होंने भी इसीलिए शायद भारत रत्न देने की मांग कर रही है। देखिए सिंगापुर बुला रहा था, वो कह रहा था कि भाई आई अब देश का जो आपका योगदान है शिक्षा स्वास्थ्य पे हमें आके बताइए जी। मगर नरेंद्र मोदी जी ने पूरी एड़ी चोटी लगा ली जी कि दिल्ली का केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है जो अच्छा काम कर रहा है वो बाहर ना जाए। क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में नहीं रहेगी, अब ये पंजाब में भी चली गई है, चंडीगढ़ में भी चली गई है, गुजरात में भी इनकी छाती पे मूंग दल रही है, 28 सीटें हमारी नगर निगम में वहां पे आई है, आप आसाम में 2 सीटें जीत के आई है, 98 सीटें हम महाराष्ट्र में जीत के नगर निगम की आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 85 सीटें नगर पंचायत की हम जीत के आ रहे हैं, गोवा में हमारे 3 सीटें आई है, ये अभी मेयर हमारा जीता है मध्य प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां से हमारा मेयर जीत गया था। तो इनको लगने लगा कि आम आदमी पार्टी का जो शिक्षा मॉडल है, जो स्वास्थ्य मॉडल है, जो माताओं बहनों को जो राहत देने का मॉडल है, वो मॉडल कहीं गुजरात में नहीं लेके चले जाए, गुजरात में आएगा तो उत्तर प्रदेश। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, आऊंगा मैं। जिस तरीके से आज पूरा दिन भर जो सियासी घटनाक्रम चला मनीष सिसोदिया के ट्वीट के बाद, क्या कुछ बयान नेताओं ने दिए एक बार आपको सुना देते हैं। ये एक मिनट, जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई, और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है, मनीष जी बैठिए हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें, तो ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं, राजपूत भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतों भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज हैं, सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3-4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी? मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर हैं, एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया, और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का, मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके, मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पर खुला जवाब है। अरविंद केजरीवाल को इस समय कालनेमी की संज्ञा दी जा रही है। मनीष सिसोदिया जी का ये जितना एक्ट है, जितने डायलॉग्स हैं, ये
एक बार और सिद्ध कर रहा है कि वो सच में इस अपराध में बहुत अंदर तक डूबे हुए हैं। देखो, ये लोग ढोंगी लोग हैं, ये लोग झूठ की हर लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और ये समझते हैं कि जनता जो है ना कठपुतली है, मैं तुरंत ये कठपुतली का खेल खिलाऊंगा, जनता को इधर से इधर झुका दूंगा, जनता को इधर से उधर भ्रमित कर दूंगा, जनता को ये झूठ परोस दूंगा, जनता को अपने पक्ष में कर लूंगा। मुझे लगता है कि शायद जनता की आंखें खुल चुकी हैं, भारत के लोगों की और दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। और मैं समझता हूं कि ये जितना बौखलाहट है ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं, एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है ऐसा लगता है। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। महाराणा प्रताप शराब पिलाते थे लोगों को, महाराणा प्रताप ने अपनी धरती के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं, आप गली गली शराब बेच रहे हैं, महिलाएं चित्कार कर रही हैं, कभी महिलाओं की चित्कार के लिए महाराणा ने भाला उठाया था, चेतक पे बैठे थे, और आप महाराणा प्रताप से अपनी तुलना कर रहे हैं जिसके ऊपर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, शराब घोटाले का आरोप है। मैं समझता हूं इनको जनता इनकी भाषा से समझ रही है, ये भ्रष्टाचारियों की जगह आम आदमी पार्टी में हो सकती है, आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, कहाँ ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पवित्र आत्मा की पार्टी का सोच भी इन्होंने जो रखा है। मुझे लगता है पूरा देश, पूरी दिल्ली हंस रही है। नहीं है, मगर अगर कोई भी एजेंसी ये देखती है कि ये केस उनके दायरे में भी आता है तो ज़रूर वो दर्ज करेंगे, और उनको करना भी चाहिए, और मैं भी कहूँगा कि करना चाहिए अगर उनके दायरे में आता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। 1 करोड़ 2 करोड़ का नहीं है ये, लगभग 500 से ज़्यादा करोड़ का घोटाला है। और मनीष सिसोदिया को, पूरी आम आदमी पार्टी को ये पता है कि उन्होंने घोटाला किया है, वो केवल इससे बचने के लिए सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कभी शिक्षा की बात करते हैं, कभी किसी आर्टिकल की बात करते हैं। तो वो अगर उन्होंने घोटाला किया है तो वो जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी चिल्ला लें, वो नहीं बच पाए। मेरा सीधे कहना है कि आप इतनी रिटारिक मत करिए ना, ये जो मीडिया में केस चला रहे हैं अनुसंधान करिए। हम तो देख चुके हैं ये सब, अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि खबर बनाइए, लगातार कहिए कि फलाना ये है, चिल्लाना वो है, और उसके बाद फिर अचानक सारी चीज़ें गायब। तो आम ट्विस्टिंग टेक्निक भी है ना, तो उस संदर्भ में ही इसे देखा जाना चाहिए। सर, पूरे मामले में मनीष कई सारी बातें, उन्होंने कहा कि सीबीआई मुझे टारगेट नहीं करना, करप्शन को नहीं टारगेट करें, उनका इरादा मुझे टारगेट करने का। उसके अलावा भी उन्होंने कई सारी बातें कर दी, अपनी पीढ़ियों तक की बात कर दी कि इस खानदान से आते हैं। देखिए, आज उन्होंने दो बातें कही जो आज मैंने सुबह सुबह देखी, अर्ली मॉर्निंग। पहली चीज़ उन्होंने कही कि बीजेपी ने संदेश भेजा है कि आप आ जाओ, आपको तोड़ करके सारे मुकदमे वापस। ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन पर बड़े गंभीर आरोप थे, वो भाजपा में शामिल हुए, वो आरोप हवा में काफूर हो गया। ऐसा एक नहीं, अनेक उदाहरण है पूरे देश में, इसलिए ये चिंता का विषय। लेकिन दूसरी चीज़ जो मुझे एक व्यक्तिगत रूप से थोड़ी आहत कर गई और थोड़ा बुरा लगा, कि आज आज़ादी के 75वें वर्ष में हम फलाने के वंशज हैं, हम फलाना जाति के हैं, ये विमर्श हमारे लोकतांत्रिक संवेदनाओं के लिए संविधान सम्मत भी नहीं है और हमारे लोकतांत्रिक संवेदनाओं के अनुरूप नहीं है। कम से कम मनीष जी से मुझे इसकी उम्मीद नहीं। तो सीधा चलेंगे मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार आज दिन भर ये जो सियासी घटनाक्रम चला, कहीं ना कहीं उससे जो स्थितियां हैं वो एक बार फिर कुछ इस तरह की बनती हुई नज़र आ रही हैं कि आखिर ये देश में हो क्या रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन तथ्यों के ऊपर क्यों बात नहीं हो रही है। देवेंद्र जी, आपके पास आऊँगा। सिसोदिया साहब अभी बोल रहे थे, आपने सुना भी होगा कि केजरीवाल साहब से देश की जनता को उम्मीदें हैं बड़ी, इसीलिए बड़े परेशान हैं आप लोग। हाँ,
जी पार्टी होगी चुनाव 2024 में है, अभी काफी समय है जी। वो केजरीवाल जी हो, कोई भी गठबंधन हो, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हो, जयंत जी हो, ममता जी हो, और अब तो बिहार से नीतीश जी का भी नाम है, हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारे सामने कौन क्या होगा। ये टेंशन विपक्ष की है कि तो विपक्ष आप कैसी बात कर रहे हैं, विपक्ष विपक्ष को टेंशन होती तो आप ये बताइए ना कि पूरी की पूरे बीजेपी लगातार जिस तरीके से आज बयान दे रही हैं बीजेपी के नेता आके, यही तो आज सिसोदिया जी ने भी कहा कि ये टेंशन आपकी पार्टी को हो गई है, यही तो जिक्र कर रहे थे वो। मैं अपना जवाब दे रहा हूँ आपको, सिर्फ एक मिनट में क्लियर कर दूं। जी 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 जी। और मेरे बाद आप प्रभात जी के पास जाइए क्योंकि अच्छे से विश्लेषण कर देंगे जी। मुझ पर तो आम आदमी पार्टी के हमारे साथी मित्र जो हैं वो प्रीतपाल जी बार बार एजुकेट करेंगे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ, सिर्फ बहुत कम समय में कह दूंगा जी। आम आदमी पार्टी कहती आई है कि हम दूध के झूले हुए हैं, हम अन्ना जी के धरने से निकलकर प्रदर्शन निकलकर आए, हमने कस्में खाई है, हम एक शर्ट में राजनीति करेंगे, हम बिगर सिक्योरिटी की राजनीति करेंगे, हम जनता को नई दिशा देंगे, हम जनता के लिए नई नई चीजें लेकर आएंगे। बहुत उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, उस पर मुझे कोई नहीं बोलना ना सफाई देनी। आज उनके सामने संकट की घड़ी है, उन पर एलिकेट हुआ है, और केजरीवाल डंके की चोट पर कहते हैं इस बात को कि हम पर कोई एलिकेट हो, हमें कोई साजिश हो तो हम सबसे पहले इस्तीफा देंगे। तो मैं आज कहता हूँ अच्छा चांस मिला जनता में अपनी ईमानदारी साबित करने की, अगर उन पर ये एलिकेट हुआ, मनीष पर हुआ है, या उनके दूसरे वाले मंत्री जी जो जेल में है उन पर हुआ है, या और कोई दोषी है मंत्री सरकार का उन पर होने की बात है, तो ये ना चिल्ला है कि इसके बाद इसका नंबर है, इसके बाद इसका नंबर है, ये कहें कि हम पर साबित करें। आप जो सीबीआई कोई ऐसी संस्था नहीं है, किसी सरकार की नहीं है ईडी, ये बीजेपी ने नहीं बनाई, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, ये देश आजाद हुआ सीबीआई सबकी बनी हुई संस्था है, और ईडी भी लगभग जो कांग्रेस के टाइम से काम कर रही है, ये तोता मैना पहले हो चुके हैं इनकी बात। आप इन्हें ईमानदारी से काम कीजिए, और इनका देखिए आप कहते हैं बार बार कि इस पर कई और नेताओं पर एलिकेट हुआ है, उनकी जांच क्यों नहीं होती। मैं कहता हूँ प्रीतपाल जी बैठे हैं, अगर इन्हें लगता है कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर किसी और पार्टी का हो, हमसे ज्यादा तो कांग्रेस चिल्ला रही है इनके खिलाफ, तो आप लिखित में दीजिए, आप जो ईडी सीबीआई को दीजिए और उसकी कॉपी ओपन कीजिए, उसके बाद भी आपकी बात नहीं होती तो आप दिल्ली हाईकोर्ट में जाइए, अगर हाईकोर्ट आपकी बात नहीं मानता तो देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, इस पर कोई उंगली नहीं उठाता, आप उसकी दलील देते हैं वहां दीजिए, निश्चित आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अपनी ईमानदारी जो आपने उठाई है, जो खाई है, उस पर बने रहिए, और आज आपके पास मौका है, आप इसका सामना कीजिए, और जो घोटाले आपने नहीं किए, आप पर एलिकेट लग रहे हैं, उनको साबित करने का एक अच्छा चांस आपके पास है। आज मैं मनीष जी हो या और सकंदर जैन जी हो या केजरीवाल जी हो या और कमेटी और वो कैबिनेट का कोई हिस्सा हो या विधायक हो, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि अपनी ईमानदारी के साथ अपनी बात रखें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रीतपाल जी गंभीर सवाल उठा रहे थे, देवेंद्र जी क्या कहेंगे? देवेंद्र प्रमुख जी बहुत अच्छे वक्ता है, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ जी। इन्होंने ये कहा कि अगर आपको किसी पे डाउट हो तो आप उनके माध्यम से जाइए या सीबीआई को लिख के दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईडी ने बकायदा शारदा चिट फंड के घोटाले में मुकुल राय को नोटिस किया था पूरे देश ने देखा था जी। तब प्रधानमंत्री भी ये बात कहते थे, नरेंद्र मोदी जी भी मन से कहते थे कि मुकुल राय शारदा चिट फंड घोटाले में ममता जी ने बचाया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में आया तो बन गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। नारायण राय ने जिसको घोटाले के ईडी ने नोटिस भेजी आज भारतीय जनता पार्टी में है जी। तो भारतीय जनता पार्टी, आप रेड्डी बंधुओं का नाम आपको याद होगा, 16,500 करोड़ रुपए का खनन घोटाले की ईडी ने नोटिस भेज रखी है, सीबीआई ने नोटिस भेज रखी है, क्या हुआ उस पे? व्यापक घोटाला, पूरा विश्व जानता है कि शिवराज सिंह उसमें लिप्त है, बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हेमंत बिस्वा जिसके ऊपर घोटाले की कितनी बार ईडी ने नोटिस की है, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। अभी इन्हीं मनीष सिसोदिया ने बताया कि पीपीई किट में कोरोना काल में बड़ा
बड़ा घोटाला हेमंत बिस्वा ने अपनी पत्नी के नाम पे टेंडर देके कमाया, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। रमेश पोखरियाल जो दो बार के मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर सवाल ये उठ रहा है प्रीतपाल जी, जो अभी देवेंद्र जी भी कह रहे थे, कि आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता ये जिक्र कर रहे हैं कि अगला नंबर इसका है, अगला नंबर उसका है। अगर आपको सारी चीज़ पता है और अगर आप लोग पाक साफ हैं तो क्यों नहीं पहले से ही उसकी जो एविडेंस है वो हम जनता के सामने क्यों नहीं रख देते, दिक्कत क्या है? अभी आपने रिंकिया के पापा का दिखाया, रिंकिया के पापा गाना ही हूँ वाले जो थे, मनोज तिवारी जो सांसद की है, उन्होंने याद होगा 2020 में जब रिजल्ट आया था, दिल्ली का रिजल्ट आने वाला था अभी जी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं बनी तो मेरा नाम बदल देना जी, था। और जब मीडिया वाले उनके पास पहुंचे तो वो भाग गए थे घर से जी। अभी इन्होंने इनकी जो आपने वीडियो चलाई उसमें आपने डाला 10,000 करोड़ का घोटाला बताया, एक दूसरे भारतीय जनता हमने नहीं डाला, जिस नेता ने जो बोला हमने वो चला दिया, हमने कुछ नहीं डाला। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रभात जी सीधा आपके पास आना चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल ही रहा है बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी नेताओं पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक गणित समझ नहीं आ रहा, ये गणित आंकड़ों का गणित है। आंकड़ों का गणित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से एक्साइज पॉलिसी को लेकर विवाद शुरू हुआ है लगातार जो एक आंकड़ा है वो बार बार बदल रहा है, कभी 1100 करोड़ की बात आ रही है, कभी 500 करोड़ की बात आ रही है, कभी 144 करोड़ की बात आ रही है, कभी 11 करोड़ की बात आ रही है। ये आंकड़ा है क्या सही मायनों में, या सिर्फ हवा हवाई जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल दे रहा है, क्या माजरा क्या है ये? सवाल मुझसे है आशीष जी? हाँ आप ही से कर रहा हूँ प्रभात जी। हाँ आशीष जी देखिए इसको एक समझिए आप, ये मैं आप और बीजेपी में चलती रहेगी जी। मैं प्रतपाल सिंह को याद दिलाना चाहता हूँ, जब आप पार्टी की सरकार बनी थी उसके पहले केजरीवाल ने कहा था कि अगर मेरे किसी एक व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो हम पद त्याग दे देंगे मतलब पद छोड़ देंगे जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया जैसे इंसान पे अगर कोई, जब तक ये इन्होंने कह रहा है कि हमने बहुत अच्छी शिक्षा नीति चलाई, हमने स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया काम किया, भारतीय जनता पार्टी हमारे कद को स्वीकार नहीं कर पा रही है, हम आपकी हर बात मान रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका एलजी से टकराव क्यों होता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो ये एक्साइज पॉलिसी बनी, अगर ये एक्साइज पॉलिसी बहुत अच्छी होती तो आपने इसको वापस क्यों लिया, किस डर से लिया, किस भय से लिया, जब आपका सीबीआई जांच के आदेश हो गए, क्योंकि आपकी एक्साइज पॉलिसी में इतनी खामियां थी, आपने उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जो ठेकेदार थे, जो आपने उम्र भी 24 से 21 साल कर दी, बताइए 21 साल के बच्चे को भी शराब पीने के लिए, आपने शराब को बिल्कुल इस तरीके से फ्री कर दिया जैसे कि बिल्कुल आप बाहिए पूरे दिल्ली के अंदर, शराब पीना तो एक तरीके से शराब को प्रतिबंध लगाना चाहिए, शराब से आप कितना रेवेन्यू आप ले रहे हैं, आप लोगों को मारने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम इन सब चीजों को हटा के हम क्या एक बात कहना चाहते हैं, आप पार्टी जिस मकसद से देश की राजनीति में एक राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आई थी, सारी पार्टियों को लोगों ने देख लिया था कि कांग्रेस भ्रष्ट है, समाजवादी पार्टी भ्रष्ट है, बहुजन समाज पार्टी भ्रष्ट है, भाजपा आई थी, भाजपा में मोदी जी आए अपना मॉडल लेके, देश की जनता के सामने मोदी जी की स्वीकारता बनी, 140 करोड़ जनता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, और 2014 से 2022 तक जितने भी चुनाव है वो भारी मैंडेट से जिताती है, तो कहीं ना कहीं उनके नीति और सिद्धांतों पे वो मोहर लगाती है। मैं प्रतपाल सिंह से पूछना चाहता हूँ, आप पंजाब में गए, आप फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, आप कह रहे हैं बिजली फ्री कर देंगे, आप कह रहे हैं बसों में फ्री, अरे फ्री कर देंगे तो आप लाएंगे कहां से, आप मुझे रेवेन्यू जनरेट कहां से करेंगे, आप मुझे ये बताइए, ये जो फ्री की रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है
इससे आप देश में प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर बराबर टक्कर देकर आप प्रधानमंत्री पद केजरीवाल प्राप्त कर लेंगे। अरे आपका नीति क्या है, आपका विजन क्या है आपका? ठीक है आपने पंजाब में सरकार बना दी, मैं बहुत जिम्मेदारी के तौर पे कहता हूँ आपने खरबों रुपए विज्ञापन में आपने बांटा, हमारे यूपी के ही एक चैनल को इतना पैसा दिया संजय सिंह ने और केजरीवाल ने कि अगर ईडी जांच कर ले तो पूरे अकाउंट से पैसा खुल जाएगा। ये कहाँ चला गया पैसा? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। तो आप जब इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, टकराव हो रहा है एलजी साहब से बार बार, बड़ा सवाल है, बार-बार ये सवाल आ रहा है कि एलजी के साथ टकराव क्यों हो रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? और ये जो एक्साइज पॉलिसी है, जब एक्साइज पॉलिसी फ्रेम की गई थी तो क्या उसको अच्छे से स्टडी नहीं किया गया? देखिए प्रभात जी बहुत वरिष्ठ है हमारे, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े भाई की तरह हमारे हैं जी, और हम लोग आमने सामने कई बार डिबेट कर चुके हैं। इन्होंने 3-4 सवाल उठाए हैं। एक इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था हम स्वच्छ पार्टी है और हमारे किसी के ऊपर आरोप नहीं कहा था, उन्होंने कहा आरोप साबित होगा तो जी। आपको याद होगा 2015 में हमारे एक मंत्री थे जिनके ऊपर राशन घोटाले का एक आरोप लगा था, राशन की दुकान से 6 लाख रुपए घूस लेने की बात सामने आई थी जिसकी जांच हमने कराई और तुरंत उसको गिरफ्तार करा दिया था, मंत्री पद से हटाया और गिरफ्तार कराया। अभी इसी वर्ष अभी 4 महीने नहीं हुआ पंजाब के अंदर सरकार बनाए, हमारा स्वास्थ्य मंत्री सिंगला जिसने जो जिसकी हत्या हो गई पंजाब के भीतर, उनको भारी भारी वोटों से हराया था, उस व्यक्ति को वो 1% की घूस मांगता हुआ पकड़ा गया, उन्हें साबित हो गया, उसको ना पद से हटाया बल्कि गिरफ्तार कराया। मजाक कर रहे हैं, उन्होंने करीबन दर्जनों को एसपी हो डीजी हो चाहे दरोगा हो, हम लोगों ने पंजाब भाई नौकरी से हटाने का काम किया। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम पे जिस दिन आरोप साबित होंगे, आम आदमी पार्टी का प्रभात की कोई भी हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे अदला सिपाही हो, आम आदमी पार्टी साबित नहीं होंगे। अगर उंगली भी उठे तो मैं उसको बाहर कर दूंगा, ये कहा था उंगली भी उठेगी। पहली बात आपने आरोप साबित की बात नहीं कही थी दिल्ली में, आपके पास आऊंगा मैं, आपके पास पहले एक बार जवाब ले दीजिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने कहा कि एलजी के साथ टकराव क्यों होता है जी। देखिए दिल्ली में 1000 इलेक्ट्रिक बस चलानी थी क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण स्तर बहुत बुरा हो जाता है जी। वो इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए जब हम लोगों ने फाइल भेजी तो हमारी फाइल फंस गई, तो हम लोग को वहाँ पे 11 दिन अनशन पे बैठना पड़ा, हमारे मुख्यमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी, सारे मंत्रिमंडल को, एलजी के दरवाजे पे बैठे तो वो बिल पास हुआ। दिल्ली में अगर हमको मोहल्ला क्लिनिक बनाना है तो हमारी फाइल रुक जाती है, तो दिल्ली के जो जनहित के कार्य है उसके लिए तो हम लगातार लड़ते रहेंगे, क्योंकि एलजी जो है वो रिपोर्ट करता है गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय ही हमारे बिल पास करता है। अब आ जाइए शराब नीति के ऊपर, आपने कहा कि शराब नीति अगर इतनी अच्छी थी तो आपने पीछे क्यों लिया? सर ये शराब नीति आज की नहीं थी, ये जब कोरोना काल में ढील तोड़ी अनलॉकडाउन जब शुरू हुआ पहला दूसरा तीसरा, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा सबसे पहले जो खोलो था वो शराब की दुकानें खोली थी। और मैं आपको याद दिला दूं प्रभात जी, कोई ऐसा राज्य नहीं है जो शराब के रेवेन्यू से नहीं चल रहा। इसी उत्तर प्रदेश में 22% जितना बजट हमारा बनता है उसका 22% जो है रेवेन्यू जो आता है इसी शराब से आता है, 14% हरियाणा में आता है, मध्य प्रदेश में 20% रेवेन्यू जो आता है शराब से ही आता है। तो शराब नीति जो बनी थी आसीसी में बता दूं, वो शराब नीति जब बन के फ्रेमिंग के लिए गई थी बैजल साहब के पास, जो उस समय एलजी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था नहीं इसमें इस तरह के बदलाव करो, हम लोगों ने उसी तरह के बदलाव करके उनको वापस भेज दिया। जब वो शराब नीति चली गई पास होगी टेंडर हो गया जी। दिल्ली सरकार ने टेंडर कर दिया, टेंडर होने के बाद दुकानें अलर्ट होनी थी तो तुरंत एलजी ने उसमें 2 क्लॉक लगा दिए, 1 क्लॉक लगा दिया कि जितने अनऑथराइज कॉलोनिया है, अनाधिकृत कॉलोनिया जो दिल्ली में है वहां पे अगर शराब की दुकान किसी को खोलनी है तो उसको एमसीडी से या डीडीए से एनओसी लेना पड़ेगा। अब बताइए अनऑथराइज कॉलोनियों में यार बसें खरीदने की भी सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं, जो पहले से जो आपने 1000 बसें खरीदी है। अब ये जांच में प्रभात जी सुन लीजिए सर, प्रभात जी प्लीज,
ये जांच में आ जाएगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है 2013 में चिल्लाया करती थी कि 10,76,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ है और 76,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है। क्या हुआ? सब शून्य हो गया, कोई पकड़ा गया आज तक? तो भारतीय जनता पार्टी वो नालायक बच्चा है कि आपके घर की घंटी बजा के भाग जाता है, जब तक मालिक घर का दरवाजा खोलता है तो बाहर वो नालायक बच्चा नजर नहीं आता। एक मंत्री कहता है, एक मनोज तिवारी कहते हैं 1100 करोड़ रुपए का घोटाला है, एक इनके लोक नेता कहते हैं 500 करोड़ का घोटाला है, एक कहता है 1000 करोड़ का घोटाला है, एक कहता है 144 करोड़ का घोटाला है। ये सीबीआई की जांच में सब पता चल जाएगा। प्रभात जी, मुझे पता है आप एक बहुत अच्छे पत्रकार है, आपको चिंता है, घोटाला होता है तो पत्रकार को दुख होता है, क्योंकि पत्रकार जनता की आवाज होता है, वो चाहता है कि जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है वो घोटाला ना करे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जल मिशन घोटाला संजय सिंह ने खोला कि जल मिशन में कितने करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, टेंडरिंग में कितना घोटाला हुआ, प्रचार में कितने पैसे लगने चाहिए और कितने पैसे लग रहे हैं। जो राम जन्मभूमि का मामला था, राम मंदिर बनना था, उस घोटाले को उन्होंने उजागर किया। और अब तो अयोध्या जो वहां की प्राधिकरण, उन्होंने भी मान लिया कि न्यास में घोटाला हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये रिपोर्ट भी मानी है, योगी आदित्यनाथ जी के पास गई है। जब कोरोना काल में लोग घर में पड़े हुए थे तो 91 करोड़ रुपए इन्होंने निकाल लिए कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज बच्चियों के फूट के नाम पर, मोजे के नाम पर, खाने के नाम पर, जब बच्चियां घर पे पड़ी हुई थी, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। ऑक्सीमीटर 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया। हेमटोलॉजी जो मशीन आती है, ठीक है, इन तमाम बातों का जो जवाब है हम जरूर लेंगे बीजेपी से। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र जी बीजेपी से हैं, प्रीतपाल जी आम आदमी पार्टी से और प्रभात जी। देवेंद्र जी, बड़े आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रीतपाल जी आपकी पार्टी पर, और साथ ही साथ ये एक बड़ा जो आंकड़ों में गणित है वो उलझता जा रहा है, 1100 करोड़, 500 करोड़, 144 करोड़, 11 करोड़, ये चक्कर क्या है? आंकड़ा सही नहीं आ रहा क्या बीजेपी के पास? 1100 करोड़ मनोज तिवारी साहब ने बोल दिया, 500 करोड़ अभी आप हमारे ही चैनल पे आपके ही पार्टी के एक नेता का बाइट सुन रहे थे, उसमें वो बोल रहे थे 11 करोड़ कोई और तीसरे नेता बोल रहे थे, क्या स्क्रिप्टिंग ठीक नहीं है क्या? हाँ बताइए एग्जैक्ट आंकड़ा है आपके पास? मैं बता देता हूँ आपको। बता दीजिए ये जो आंकड़ा है, ये जो निकल कर आ रहा है, एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, नेता से आप बाइट ले रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। इस आंकड़े के लिए ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा होगा अगर आप उनसे क्लियर कराएं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है कि कैलकुलेटर लगा के सारे घपलों का जो मामला आंकड़ा निकाल कर देगी आपको। आम आदमी पार्टी के लोग यही तो कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती करवा रहे हैं ईडी और सीबीआई से। आप पर चोरी साबित हो रही है जी। आप 1 रुपए की डकैती डालेंगे, आप 1000 की डालेंगे, आपके लिए डकैती डकैती है, जो धाराएं वो वही बनेंगी जी। आपने क्राइम किया है, आप पर जांच का विषय है, आपके खिलाफ जांच हो रही है, सम्मान के साथ उस जांच को ईमानदारी से कराइए। ये बाद की बात है कि 1000 करोड़ का हुआ है या 1 करोड़ का हुआ है या 1 लाख का हुआ है, पर वो सब चीज पार्टी के नेता रहे हैं ना जी। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि इसमें किसी नेता की कोई गारंटी नहीं बनती कि आंकड़ा उनके बयान की भी कोई गारंटी है कि नहीं, वो जो बयान दे रहे हैं कैमरों के सामने बड़े बड़े की ईडी की नहीं, आप ये बता दीजिए कि उनके बयानों की भी कोई गारंटी है या नहीं है? क्या जो आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े चैनलों पर या बड़े बड़े कैमरों के सामने बयान दे रहे हैं, क्या उनकी भी कोई गारंटी माने या ना माने? गारंटी नहीं, वो सिर्फ उनका काम है, जितना उतनी बात बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आकलन बोल रहे हैं। ये देखिए, बहुत गहनता के साथ कहता हूँ, प्रभात जी बैठे क्लियर कर देंगे जी। ये 1000 का भी हो सकता है, 1000 करोड़ का भी हो सकता है,
5,000 करोड़ का हो सकता है, 500 करोड़ का हो सकता है, जिस दिन क्लियर होगा उस दिन कोई इसको सही बता पाएगा। फिर कह रहा हूँ ये ईडी और सीबीआई क्लियर करके बताएगी कितने का था, तब तक 5,000 करोड़ चलाते रहे, सही है। ये आपका बिल्कुल गलत क्वेश्चन है आशीष जी। नहीं, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं तो आप ही के पार्टी के जो नेता बयान दे रहे हैं उन्हीं में से निकले हुए सवाल जो है आपसे कर रहा हूँ। मेरा कोई ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, पिछले 3 दिन से 72 घंटे से यही जो सवाल है वो बार बार यही सामने आ रहे हैं और यही चीज आम आदमी के पार्टी के जो साथी हैं उन्होंने ही चीज पूछी है। आम आदमी पार्टी ने चोरी की है, उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ एविडेंस बने हैं, उन्हें जेल जाने की स्थिति हो रही है, उनके मंत्री जेल में है, कई लाइन में है। अगर वो नहीं बोलेंगे, वो डिबेट नहीं गिराएं, डिबेट को घुमाएंगे नहीं, तो क्या मैं घुमाऊंगा? ठीक है प्रभात जी, प्रभात जी आपका पूरा समय खा गए, प्रभात जी अच्छा क्वेश्चन कर नहीं पाए, प्रभात जी डिबेट में खेल नहीं पाए आप। नहीं मैंने पूछ लिया, मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने पूछ लिया जो पूछना था। प्रभात जी सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो देवेंद्र जी कह रहे हैं कि मुद्दे को भटकाने का काम किया जा रहा है, बड़ी चीज है, क्या यही कहना चाह रहे हैं ना आप देवेंद्र जी कि ये जो आज ये फोन आया, मैसेज आया, ये इसीलिए कह रहे हैं ताकि मुद्दा भटक जाए, ऐसा ही है? भाई देखिए आशीष जी, मैं इस चीज को बड़ी गंभीरता से इस बात को रखना चाहता हूँ, डिबेट में है जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं, डिबेट है और बहुत ही मतलब इससे एक पार्टी की साख जुड़ी हुई है। मैं ये कहता हूँ कि मनीष सिसोदिया जी ने ये जब कहा कि मुझे लालच दिया गया कि आप भाजपा में आ जाइए, भाजपा और आप पार्टी तोड़ लीजिए, अब आज के बड़े हास्यास्पद मामला लगता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, ऑडियो वायरल हो जाता है, आपसे लोग साक्षात मिले थे या आपसे किसी ने फोन पे बात की थी, ये देश को बताना होगा आपको, ये गंभीरता का एक बहुत बड़ा गंभीरता का विषय है, ये हंसी मजाक नहीं है, ये जल्द ही देंगे, इंतजार है हमें। हाँ, और ये बहुत गंभीरता का विषय है, लेकिन आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज गुजरात में दिख रही थी वो मुझे संजय राउत वाली बॉडी लैंग्वेज याद आ रही है, और केजरीवाल ने भी कह दिया 3 दिन के अंदर हो सकता है वो अंदर चले जाए, तो या तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच में कोई आपस में कुछ है गड़बड़, मनीष सिसोदिया को वो हटाना चाहते हो मान लो, और उनके कंधे पे भी हाथ रखे नजर नहीं आ रही थी आज भी, क्योंकि लगातार मुझे तो ये भी लग रहा है मनीष सिसोदिया ने बोला कि मेरे राजनीति गुरु है, आशीष जी मुझे तो ये भी लग रहा है, झुकूंगा नहीं, नहीं मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल कहीं नंबर 2 से नंबर 1 पे ना आ जाए आशीष जी, मनीष सिसोदिया जी, तो इसलिए जो है वो अपना हाथ रखे हुए हैं। देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, प्रतपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं प्रतपाल जी को गंभीरता से कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी पे जो आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, आपको इसमें हंसना नहीं चाहिए, आपकी पार्टी देश में एक विकल्प बनने के लिए पार्टी आई थी, अगर आपके आरोप इसी तरीके से लगते रहेंगे तो आपकी पार्टी का भी वही असर होगा जो कांग्रेस पार्टी का असर हुआ है या जो और अन्य पार्टियों का रीजनल पार्टियों का हुआ है, बड़ी गंभीरता का विषय है, इसको सॉर्ट आउट कीजिए, कितने 1,000 करोड़ का है, 1,468 करोड़ का है, कितने का है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ईडी तक और सीबीआई तक अगर आप जा रहे हैं और पूछताछ हो रही है तो आपको दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा, कुछ दिनों बाद हो जाएगा, गुजरात के इलेक्शन के पहले हो जाएगा या बाद में हो जाएगा, लेकिन असली लड़ाई 2024 की है, तो आपको अपनी छवि को बचाने के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, कोई ऐसे कठोर कदम उठाने होंगे, कोई एक ऐसी आचार संहिता बनानी होगी जो आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं जो दाग लग रहा है, जो बच्चा लग रहा है, उसको आप सुधार सके। ये मेरी आपको एक छोटी सी एडवाइस है प्रिंसिपल जी, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी जब उसके ऊपर आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं अगर कहीं आग लगी होगी तो धुआं वहीं उठेगा, ऐसा नहीं है कि बिना आग लगे धुआं उठेगा, तो ये जो है ये सारी चीजें आपको देखनी होगी, ये आप इसमें कंपटीशन मत कीजिए कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, हम उससे छोटे भ्रष्टाचारी है, अरे 1 रुपए का भी गबन 1 रुपए का गबन होता है, है? आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उससे बड़े हम तो नहीं है, अभी हम छोटा भ्रष्टाचार हमने किया है, अरे एक आरोप लगे आप उसको तिलांजलि दे दीजिए, अगर आप देश की नई राजनीति को बदलने आए हैं, केजरीवाल अगर नई राजनीति करने आए हैं इस देश के अंदर, जनता आपको हाथों हाथ लेगी, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप उसका जवाब आप इस तरीके से दें कि भारत रत्न मिलना चाहिए, कौन सा बड़ा अच्छा काम मनीष सिसोदिया ने कर दिया कि भारत रत्न मिलना चाहिए,
जवाब दीजिए आप प्रभात जी, भारत रत्न तो आपको ही मिल जाना चाहिए। आप लगातार जवाब ले लेते हैं प्रभात जी। प्रीतपाल जी, धुआं वहीं उठा है जहां आग लगी होगी, प्रभात जी कह रहे हैं। कहावत तो है ही ऐसी। प्रभात जी, मैं प्रभात जी को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितना विश्वास एक पत्रकार होने के नाते ये देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने में रखते हैं, आम आदमी पार्टी 100% इनके विश्वास से उतरेगी। जो देश के सच्चे पत्रकार है, जो देश का भला चाहते हैं, उनके विश्वास को डिगने नहीं देगी ये केजरीवाल सरकार, एकदम निश्चिंत रहिए। और धुएं की बात है, हाँ मैं थोड़ा उसको हंसी में थोड़ा डाल दूं कि दिल्ली में जब प्रदूषण आता है तो दिल्ली में आग कहीं नहीं लगी होती। वो तो नजदीक के, जैसे आप पंजाब ले लीजिए, पंजाब से आ जाता है, पंजाब से आ जाता है धुआं, पंजाब से आ जाता है, वहां पे जलता है तो धुआं आ जाता है दिल्ली के भीतर। ये मैं थोड़ा हंसी के ऊपर कॉल ले जा रहा हूँ। देखिए पंजाब भी आप ही ने संभाला है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ सुथरी पार्टी है। हम बार बार निकल के आए हैं प्रभात जी, हमारे 20 विधायकों को रातों रात निकाल दिया गया और न्यायालय से पास साफ हमारी फिर से विधायकी उनकी बहाल की गई। 40 से ज्यादा हमारे विधायकों को पर FIR, पता नहीं क्या क्या। आपको कोरोना काल में याद होगा, मानव खुल्ला उल्ला खान के ऊपर, आपके कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर लगा था कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेटर बहुत खरीद के अपने पास रखे हुए हैं। तब किसको किसको कोर्ट ने डांटा था? गौतम गंभीर, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जिसके वहां से रेमडेसिविर निकल के आए थे, जो रेमडेसिविर जो जिसके जो जान बचाने के इंजेक्शन थे, उसका बहुत बड़ा स्टॉक जो था वो इन्होंने गौतम गंभीर ने अपने घर पे रखा हुआ था। तो कोर्ट ने उनको डांटा था। जब दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं आ रहा था तो कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी जी दिल्ली की सरकार, ये बार बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीबीआई कितनी बार रेड हो चुकी है। एक बार कहा गया कि उन्होंने थप्पड़ मारा, उस पे हम लोग बरी होके आ गए। सीबीआई की जितनी बार रेड पड़ी, निकला वहां पे 4 मफलर निकले, कभी 2 मफलर निकले, निकला कुछ नहीं। इसी इन्हीं मनीष सिसोदिया के घर के ऊपर 2017 में सीबीआई की जांच हुई। सुबुड़ू कमेटी के 400 पन्नी का 400 पेज का इन्होंने मुकदमा दायर किया। क्या हुआ? लास्ट में क्लीन चिट मिल गई हमको। तो ये हमारे ऊपर ये इल्जाम तो लगाते हैं मगर साबित नहीं कर पाते हैं। मैं पूरा विश्वास प्रभात जी मैं दिलाता हूँ, आम आदमी पार्टी का अदला सा सिपाही हूँ, कि हमारी पार्टी में एक आदमी अगर भ्रष्टाचारी होगा और साबित हो जाएगा, वो हमारी पार्टी में दिखेगा नहीं। आपको हमारी पार्टी में ऐसे लोग आपको कहीं नहीं दिखेंगे प्रभात जी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप पत्रकार हैं और एक ईमानदार पत्रकार हैं। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। जनता को विश्वास होने लगा है तभी हमारा विस्तार हो रहा है, तभी हम पंजाब में सरकार बना पाए। मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, वक्त की कमी है। प्रीतपाल जी 30 सेकंड के अंदर बात पूरी कीजिए, वक्त की कमी है, मुझे बाकी मेहमानों को भी फाइनल कमेंट के लिए जाना है। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, वक्त की कमी है। देखिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना आशीष जी, मुझे सिर्फ ये कहना कि जो मैंने बोला जी उस पर मोहर लगा दी है प्रभात जी ने, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। मैंने जवाब दे दिया था, आपने उसको माना या नहीं माना, लेकिन मुझे घोटाले पर चर्चा हुई, 1 रुपए का 1 लाख का हो, ठीक है, जरूरी नहीं था। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप देख रहे थे राष्ट्र धर्म, आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।